नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ, और चलिए नजर डालते हैं इंदौर की बड़ी खबरों पर। इंदौर में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जब शहर के कालानी नगर चौराहे से गुजरते ही किसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि कुछ समय बाद युवा कार्यकर्ता आ गया और जस्ट ऐसे मामले को शांत कराया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक जैसी गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो लॉकडाउन में N95 मास्क बेचने के नाम पर इंदौर, पुणे, मुंबई के व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करती थी। गैंग को सरगना इंदौर के एक कैफे का संचालक है। वह इतना शातिर है कि उसने प्ले स्टोर से एक वॉइस कन्वर्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लड़की की आवाज में व्यापारियों को गुमराह किया। उसने अपने कैफे के वेटरों के बैंक अकाउंट में कमीशन पर ले लिए थे। आरोपी के रिश्तेदार की सिम 500-500 रुपए में खरीद भी लिया ताकि वो पकड़ाए। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने रफ्तार पकड़ ली है। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटे में 122 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए, तो वही अब तक कोरोना संक्रमण से 933 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात है कि कल 76 मरीज ठीक होकर अपने घर रवाना हो गए। तेजी से बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन ने शहरवासियों से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की अपील की। इंदौर के विजयनगर थाना स्थित अंबिकापुरी में देर शाम मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर आकर पथराव कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजयनगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इंदौर शहर में जाम की समस्या को लेकर लोगों को राहत दिलवाने के लिए DIG के आदेश के बाद अब शहर में 24 पॉइंट चिन्हित किए गए जहां जाम लगता है। यातायात पुलिस के साथ थाने का बल शाम को वहां तैनात रहेगा। नए DIG मनीष कपूरिया ने जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस को प्लान तैयार करने के लिए कहा था। यातायात SP RS देवले ने बताया कि AB रोड, रिंग रोड, जवाहर मार्ग के चौराहों पर सबसे अधिक जाम की समस्या है, जिसे ट्रैफिक पुलिस के साथ थाने के जवान मिलकर दूर जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। इंदौर में एक साल पहले भूमाफिया बॉबी छापड़ा व संदीप रमानी पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने के साथ आरोप लगाने वाले सहकारिता विभाग के दोनों को क्लीन चिट दे दी। इस आधार पर पुलिस ने भी केस खत्म कर दिया। इसका खुलासा दिग्विजय भंडारी के जिला कोर्ट में लगाए निजी परिवाद पर पेश पुलिस रिपोर्ट में हुआ है। परिवाद में बॉबी पर कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाया था। जवाब में भोरका पुलिस ने SP पश्चिम की अनुमति से किए गए खात्मे की रिपोर्ट पेश की।